दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मैंने डाली उसमें पंकज रोनित भाई की डाउट आई, हो सकता है ये डाउट आप सबकी भी हो, इसीलिए शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि मान लीजिए 26.25 ट्रे टेस्ट पे लाने हैं और आए 25, पर नॉर्मलाइज होके तो 33.33 हो गए हैं, फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? रोनित भाई, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 75 को तब्दील किया गया 100 में, और 100 में से देखा गया तो आए उनके 33.33 और उसी के ऊपर नॉर्मलाइज्ड माना गया। और नॉर्मलाइज का मतलब आपको 35% लाना था, पर आए उनके 33.33, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप मान के चलिए कि आपको अगर 75 काउंट कर रहे हैं तो 25 लाना है ट्रेड टेस्ट में पास होने के लिए, और आउट ऑफ 100 देखेंगे तो 35% लाना है पास होने के लिए। इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान दें, और ध्यान दें कि CBT 2 के पार्ट बी को अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपका फिर सिलेक्शन ALP के लिए आगे नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, ट्रेड टेस्ट को केवल पास करना होता है। जय हिंद, जय भारत।